कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। 8 मार्च को पैराडाइज स्कूल में आप एक नशा मुक्त फ्री कैंप कर रहे हैं। हालांकि मालेगांव शहर में अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ी तादाद में नशा होता है, तो कैसी आपकी दवा रहेगी, किस तरह से दी जाएगी, कब तक दी जाएगी? मेरे अजीज़, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो अदवियात है ये तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनाई गई है, और ये 8 मार्च को आपने पता बताया है वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसको फ्री देने वाले हैं, ताकि आप ये देख लें कि इस दवा में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को कितनी शिफा हो रही है, ताकि वो हर तरीक़े का नशा कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी और अपनी अच्छी सेहत को, जो सेहत अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी नेमत अता फरमाई है, उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह असजद रज़ा फाउंडेशन ने ये मिशन उठाया है कि उन तमाम नौजवानों को जो अपनी ज़िंदगियों को, अपनी सेहत को, अपने घर को बर्बाद कर रहे, उन्हें फ्री दवा दी जाए ताकि वो नशा मुक्त हो और उनके नशा जो वो कर रहे हैं वो आदत वो ख़त्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस मिशन को हम लेकर चल रहे हैं। नशा कौन कौन सा नशा इसमें आ सकता है, बता सकते हैं? नशे में देखो, अपना सिगरेट है, तंबाकू है, गुटखा है, और जिसको दारू कहते हैं वो है, और कुत्ता गोली, और हर किस्म की गोलियां जो हम बीमारी के तौर पर ज़रा सा लेते हैं लेकिन उसको हमने क्वांटिटी बढ़ाकर, कोई 50 खा रहा है, कोई 100 खा रहा है, कोई 20 खा रहा है, या खांसी की दवा ज़्यादा से ज़्यादा हम ले रहे हैं और बच्चे उसमें मस्त होकर बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं, बड़े बड़े क्राइम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दवा उन तमाम अफराद, उन तमाम बच्चों को उस नशे से छुटकारे के लिए है। दवा आप कितने दिनों तक, कितने महीनों तक देने वाले हैं, कुछ चार्ज भी रहने वाला है बाद में? हाँ, अभी जो है तो हम एक बॉटल है 650 ml की, हम पहले वो फ्री दे रहे हैं, फिर उसका जो उस पर MRP रहेगा उसके हिसाब से वो दवा दी जाएगी। रिजल्ट इसका तकरीबन कितने दिनों में आता है? अल्हम्दुलिल्लाह किसी को 8 दिन में, किसी को 10 दिन में, किसी को 15 दिन में वो नशा थोड़ा छोड़ने लगता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको 8 से 15 दिन में जिसमें नशे में आपको खुद महसूस हो जाएगा कि आपने जिस शख्स को नशा जो पीता है या खाता है या गोलियां खाता है तो वो कितना सुधर गया, आप खुद बताएंगे बाद में हमें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भाई 10 दिन में सुधर गया, कोई बोलेगा 15 दिन में सुधर गया, हमारे पास आखिरी 15 दिन में इसका रिज़ल्ट है। तो आप कैसे कह सकते हैं एकदम दावा कि ये दवा 100% शिफायाब रहेगी, खासकर नशे को? हम दावा नहीं कर रहे हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हम पेश कर रहे हैं, क्योंकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मौत के अलावा इन अदवियात में शिफा है। नशा तो बहुत छोटी सी बीमारी है, दिल की शरारत है, दिमाग का गलबा है, और सोहबत का असर है, तो ये चीज़ों को दूर तो होना ही होना है। किसी तरह का साइड इफेक्ट? अल्हम्दुलिल्लाह ये नेचुरल है, प्योर नेचुरल है, इसमें कोई चीज़ केमिकल टाइप का कोई चीज़ नहीं है जिससे साइड इफ़ेक्ट हो, ये नेचुरल है और तिब्बे नबवी की अदवियात है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इमरान भाई, बड़ा ये नेक काम होने जा रहा है जी, नशे की हालत को लेकर मालेगांव काफ़ी बदनाम है जी, और आप खुद शहर के बारे में जान रहे हैं जी, आपके दिल में कैसे ये बात है कि हमें मौके साहब को बुलाकर इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लीजिए? जैसा कि हम लोग देखें कि गाँव के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स फिक्रमंद है नशे को लेकर, जितने भी सरगर्दा अफराद है नशे को लेकर बहुत सोशल एक्टिविटीज़ में है, तो हम लोगों ने भी चाहा कि काफ़ी दिनों से हुजूर बाबरे मिल्लत से इस मामले में चर्चा चल रहा था, उन्होंने सूफ़ी अब्दुल मतीन साहब से इसरार किया कि हकीम साहब आप मालेगांव के इस, क्योंकि औरंगाबाद में काफ़ी इस मामले में दवा के मामले में बहुत सक्सेस हुए है, तो उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर ये चाहे कि 8 मार्च को पैराडाइज स्कूल इमाम अहमद रज़ा रोड पर दोपहर 3 बजे से लेके रात 8 बजे तक हम लोग ये फ्री मेडिकल कैंपों का नज़्म रखे हुए हैं, यहाँ पर जितने लोग भी आएंगे हम लोग उनको सबको मुफ्त में दवाएं देंगे। फॉर्म जो है हम लोग अभी 1 तारीख को 4 सेंटर बनाएंगे शहर के अंदर, वो 4 सेंटर पे फॉर्म रखेंगे अलग अलग जगह पे, वो भी आप लोगों के चैनल के मातहत हम लोग ऐलान करेंगे,
के फॉर्म वगैरह कहाँ कहाँ हम लोग रखे हुए हैं।